माथे पर चंदन और कंधे पर पीला गमछा लिए हुए इस शख्स को देखकर कौन कहेगा कि इसके अंदर एक नर पिशाच छिपा है। मोटरसाइकिल पर पोज मारकर फोटो खिंचाते संजय राय की इस तस्वीर को देखकर कौन कह सकता है कि इसके सिर पर जब सनक सवार होती है तो ये शैतान बन जाता है। अस्पताल में सिविल डिफेंस के तौर पर तैनात संजय राय के बारे में कौन जानता था कि यह शख्स इंसान की शक्ल में एक ड्रैकुला हो सकता है। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद संजय राय से एक एक सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में संजय की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाई गई, यानी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि संजय की सोच क्या है और उसके दिमाग में क्या चलता है। कोलकाता रेप कांड और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय पर यह आरोप है कि 8 और 9 अगस्त की रात उसने अस्पताल के अंदर डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की, उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। आखिर उस रात संजय क्या सोच रहा था? जब इसकी पड़ताल शुरू हुई तो जांच अधिकारी भी चौंक गए। सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय राय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पूछा गया कि संजय उस रात अस्पताल पहुंचने से पहले कहां गया, जिसके जवाब में संजय ने बताया कि वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया गया था। संजय ने यह भी खुलासा किया कि वो दो वैश्यालयों में गया, लेकिन वो किन इलाकों में गया इसे लेकर वो जांच अधिकारियों को गुमराह करता रहा। बताया ये भी जा रहा है कि संजय ने पूछताछ में आगे बताया कि उस रात उसने बहुत शराब पी थी और आधी रात के आसपास आरजीकर अस्पताल पहुंचा, जहां वो सिविल डिफेंस के तौर पर तैनात था। सीबीआई ने संजय के फोन की भी जांच की, जिसमें हिंसक और पॉर्न वीडियोस मिले। संजय राय ने यह भी कबूला कि वारदात की रात उसने पॉर्न वीडियो देखा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी पूछताछ के दौरान उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं था। संजय राय को जरा सा भी अपराध बोध था ही नहीं। संजय राय ने जो किया वो एक जघन्य अपराध है, ऐसा करना तो दूर, इस बारे में सोचने भर से किसी की भी रूह सिहर उठे। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि संजय की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उसके अंदर कैसा जानवर मौजूद है। पूछताछ के दौरान संजय ने जो खुलासे किए उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति को एक नाम दिया गया है, सैटिरियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी। ये मानसिक स्थिति क्या है, इससे ग्रसित इंसान क्या कर सकता है, अब वो समझिए। सैटिरियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी या हाइपरसेक्सुअलिटी की स्थिति में इंसान अपने अंदर की कामुक इच्छाओं को रोक नहीं पाता। इसमें कई तरह की कल्पनाएं और व्यवहार शामिल है। इससे ग्रसित शख्स अक्सर इंटीमेसी के बारे में ही सोचता रहता है। जो लोग इस डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं उनके दिमाग में जो उनकी फैंटेसीज हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, वो चलते रहती हैं और उनको इमेजेस दिख सकती हैं और उनके दिमाग में हर इंसान को वो ये देखते हैं कि वो उसको ऐसा सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उस रात संजय रॉय के रूप में एक जानवर अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। उस रात संजय ने एक ड्रैकुला यानी नर पिशाच का रूप ले लिया था और इसी का असर यह हुआ कि संजय राय ने डॉक्टर बिटिया के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसके बारे में सुनने के बाद बंगाल ही रही, पूरा देश सन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।